बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टमाटर की बहुत ही टेस्टी और खट्टी तीखी चटनी बनाएंगे। उसके लिए हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच भर के तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। इसमें हम डालेंगे, तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई डालेंगे। दोनों को अच्छे से चटकने देंगे। उसी के साथ इसमें ये 2 से 3 कड़ी पत्ता है, ये आपके पास हो तो डालें, नहीं तो ना डालें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 3-4 लहसुन है बारीक कटा हुआ, इसे भी हम डाल देंगे और 1 मिनट के लिए सारी चीज़ को अच्छे से सौते करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ है बारीक कटी हुई, इसे ऐड करेंगे और इसे प्याज को सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। प्याज देखिए हमारी सॉफ्ट भी हो गई है और हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। इस स्टेज पे हम यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च है, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे ऐड करने के बाद हम इसमें 5-6 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने रफली चॉप किया है, ये ऐड कर देंगे। सबको एक मरतबा अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद हम एक मतलब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। गैस के फ्लेम को हम मीडियम टू लो करेंगे और इसे ढक के 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर देंगे। ये 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसे ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से। अब हमने सारे टमाटर को मैश कर लेना है चमचे की मदद से। देखिए सारे टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और इसका जितना भी पानी है उसे ड्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हमें लगातार चमचा चलाते हुए इसे भून लेना है, जब तक के तेल हमारा ऊपर ना आ जाए, जब तक इसे भूनना है। देखिए ये अच्छे से भून गई है चटनी और तेल भी देखिए किनारों पे आने लगा है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 टेबल स्पून है हरी धनिया बारीक कटी हुई और इसे भी हम एक मतलब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पर। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये भून गई है हमारी चटनी, सारा पानी इसका ड्राई हो गया है, तेल भी सरफेस पर आ गया है। इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल देंगे। लीजिए तैयार है हमारी ज़बरदस्ती टमाटर की चटनी। इसे आप दाल चावल या रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।